कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में फर्स्ट वेव के समय भी कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि फर्स्ट वेव में भी लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव जो केसेज होंगे पर डे अगस्त सितंबर में 1,00,000 प्रतिदिन आने लग जाएंगे। भारत सरकार के सहयोग से शासन, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब के सामूहिक सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्स्ट वेव में जो मैक्सिमम एक्टिव केस गए थे वह 67,000 तक गए थे, वहां उसको नियंत्रित कर दिया था। और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वो 7,200 आए थे। जब सेकेंड वेव देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं मार्च में प्रारंभ हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश में मध्य अप्रैल से इस सेकेंड वेव प्रारंभ हुई, तो उस समय सभी विशेषज्ञों ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में इस सेकेंड वेव, इसकी विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल के बाद 1,00,000 कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। लेकिन एक सामूहिक प्रयास जो हुआ, भारत सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक तंत्र, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, जनता जनार्दन, सबके सहयोग से सेकेंड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और उसमें खासतौर पर जो पीक था वो पीक अब नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं इसमें 24 अप्रैल को हमारे पास 38,055 केस आए थे एक दिन में, वो सर्वाधिक थे एक दिन में आने वाले केस। आज 10,600 पूरे प्रदेश के अंदर 10,600 कोविड पॉजिटिव के केस आए। हमारे यहां पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी प्रारंभ में, अप्रैल के अंत में। उसका परिणाम था कि 31 अप्रैल पहुंचते पहुंचते 30 अप्रैल तक प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस हो गए थे। ये भी संख्या सर्वाधिक थी। और उसके बाद जो कार्रवाई हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की, एक एग्रेसिव कैंपेन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो प्रारंभ किया, उसमें आज प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या घट करके 1,63,000 हो गई है, यानी 1,47,000 एक्टिव केस पिछले 15 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक 4.5 करोड़ कोविड पॉजिटिव कोविड के टेस्ट करवाए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक पैमाने पर चल रही है। ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई, फर्स्ट वेव में लेवल 1 के हॉस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा थी, 1,16,000 बेड हम लोगों ने उस समय क्रिएट किए थे। लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 23,000 के आसपास बेड्स थे। लेकिन यानी फर्स्ट वेव के पहले जब 2 मार्च 2020 को पहला कोविड पॉजिटिव प्रदेश में आया था तो हमारे पास टेस्ट की क्षमता नहीं थी,
तब हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, हमें उस पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था और उनके उपचार के लिए उन्हें सफदरजंग दिल्ली एडमिट करना पड़ा था। आज प्रदेश में हमारे पास क्षमता है टेस्ट की, 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश स्वयं कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर लेवल वन के बेड्स की संख्या बहुत कम, उसकी डिमांड है, लेकिन लेवल टू और लेवल थ्री की बेड की मांग ज्यादा हुई, ये संख्या में बढ़ानी पड़ी, 80,000 बेड हम लोगों ने बढ़ाए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई है उसमें इस स्तर पर जाकर के जब ये लड़ाई लड़ेगी तब पॉजिटिविटी कम हुई, रिकवरी बढ़ी, एक्टिव केस कम हुए और प्रतिदिन भी टेस्ट क्षमता हमने बढ़ाई है लेकिन पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। हम लोगों ने यानी इस समय 2.5 लाख से लेकर 3.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, मार्च तक ये संख्या 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक थी, हमने इसको लगभग दुगना किया है और दुगने से ज़्यादा टेस्ट इस समय हम लोग फर्स्ट वेव के बाद प्रारंभ हम लोगों ने किया है। कुछ आशंकाएं हैं जिनको लेकर के राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है, जैसे हर जनपद में हम लोग शासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए, यानी जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस उनमें आ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ कार्य योजना तैयार करके रखना चाहिए। हर एक जनपद को कहा गया कि इसके लिए अलग से वार्ड बना करके उनको उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके उनकी वहाँ पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उनका उपचार होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट तो उनकी आ चुकी है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसमें भी उनको सुविधा मिलनी चाहिए और निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, ब्लैक फंगस का एक नया मामला आया है प्रदेश के अंदर, कुछ केसेज इसके आए हैं, कल ही राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के साथ साथ इसमें क्या सावधानी बरतनी है, कौन लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्या करना चाहिए और कौन कौन दवा उपयोग इसमें हो सकती है डॉक्टर की देखरेख में और उसकी हर एक जनपद में व्यवस्था की जा सके, इसके बारे में व्यापक तैयारी करने के लिए कहा गया और इसका कल वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो हमारा एक चिकित्सकों का विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम है उस टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। SGPGI, KGMU, RML जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कल आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ है। तीसरी आशंका है लोगों को कि थर्ड वेव के लिए क्या होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पहले ही इस दिशा में कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया है, हर जनपद में पीडियाट्रिक के ICU के निर्माण की कार्रवाई, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट करने के लिए कहा है, उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 102 की 2200 एम्बुलेंसें जो महिला और बच्चों ही के लिए उपयोग में आएंगे उस पर भी कार्य हो रहा है, कार्य एकदम लागू हो चुका है। और पीडियाट्रिक के ICU, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास इसका अनुभव है, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की एक लड़ाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लड़ी है और इसमें 95% से अधिक मौतों को प्रदेश के अंदर रोका है। हम लोगों को समय पीकू के निर्माण की कार्रवाई करनी पड़ी थी और हम लोगों ने सभी उन जनपदों में जो इससे ज़्यादा प्रभावित थे वहाँ पे पीडियाट्रिक के ICU बनाए थे, पीडियाट्रिशियन, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, आशा, आंगनबाड़ी और अन्य सभी इस प्रकार के जो लोग इस अभियान के साथ जुड़ते हैं उन सभी की ट्रेनिंग के एक बृहद कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और ये बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाने की कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी है और हर एक जनपद में इसके लिए व्यापक तैयारी हो रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं, धैर्य के साथ
एक जो आशंका है वह है कि कोरोना शहर में तो नियंत्रण में हो गया, जैसे यहां पर पीक आया था तब लगभग 2000 केस यहां पर आए थे 30 अप्रैल के आसपास, आज 300 350 के आसपास केस यहां पर है, 269 है, यानी 269 केस पॉजिटिव आए हैं गाजियाबाद में। और इसी आशंका को देखते हुए मैं स्वयं भोगपुर में एक गांव में स्वयं मैंने निरीक्षण किया है, मैं आज सुबह नोएडा में भी एक गांव में गया था, मेरठ में भी मैंने एक गांव का विजिट किया था, और मैं जब गाजियाबाद में आया था तो गाजियाबाद में आने के बाद मैं सबसे पहले गांव का ही विजिट पे गया था। उस गांव में आज के दिन पर एक भी व्यक्ति, लगभग 2500 की आबादी का गांव है, निगरानी समिति वहां पर पूरी एक्टिव है, लोगों ने इस बारे में कहा था कि यहां पे 7-8 लोग ऐसे थे जो लक्षण युक्त थे, लेकिन जब हमने उनकी जांच कराई, हमने उनको तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध करवाया और जब उनकी जांच कराई तो सभी नेगेटिव थे, सामान्य वायरल फीवर था या सर्दी जुखाम खांसी था, वे सभी लोग ठीक हो चुके हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग इसको हर एक गांव में, प्रदेश के अंदर 72,000 निगरानी समितियां, प्रदेश के अंदर गांव में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं, मेडिसिन किट उनके माध्यम से लक्षणयुक्त और संदिग्ध पेशेंट को उपलब्ध करवाई जा रही है, फिर RRT जाकर के वहां पर उनका एंटीजन टेस्ट करती है, और उस मामले में फिर अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती तो उसके लिए तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई करती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ की ICCC को मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया, गाजियाबाद भी मैंने निरीक्षण किया, इससे पहले सभी जनपदों में मैंने निरीक्षण किया है। तो ये सारी स्थिति प्रदेश के अंदर है। मेरी आप सबसे अपील है, राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन इस संबंध में प्राप्त हो रहा है, हर एक तबके का ध्यान सरकार रख रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर हर गरीब को पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी तय किया है कि 3 महीने तक, अगले 3 महीनों के लिए प्रदेश के अंदर जितने भी कार्ड धारक हैं या जितने भी जरूरतमंद होंगे उन सबको निशुल्क खाद्यान्न हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास, जिनको हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, इसको निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासन से मैंने कहा, जितने भी जरूरतमंद होंगे, अगर राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं कारणों से राशन कार्ड निरस्त हुआ है, उसको तत्काल सत्यापन करवा करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध, राशन कार्ड बनवा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, कोरोना कर्फ्यू के कारण कुछ तबके में काफी लोगों के कार्य कुछ लोगों के प्रभावित हुए हैं। यद्यपि हम सभी उद्योग चला रहे हैं, उद्योगों में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं, वहां पे कोविड हेल्प डेस्क भी बनी हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, नाविक, नाव है, धोबी है, मोची है, इस कैटेगरी के लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। इन सभी लोगों को 1000 रुपये का मासिक भत्ता सरकार अलग से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है और उन्हें भी लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको हम लोग इससे आच्छादित करेंगे और कोरोना के खिलाफ इस पूरी लड़ाई को उन सभी जनता जनार्दन के सहयोग से, इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संबंधित के साथ मिलकर के हम लोग एक बार फिर से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है कि पब्लिक अवेयरनेस में आपकी बहुत अच्छी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग लोगों से इस बारे में कहें, देखिए फर्स्ट वेव से ही इस आशंका को व्यक्त की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग घर से बाहर ना निकले। खासतौर पर आपने देखा होगा ये ब्लैक फंगस, डायबिटीज से जुड़े हुए लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिनका डायबिटीज अनियंत्रित है या जो अपनी मर्जी से स्टेराइड ले रहे हैं, उसका ये साइड इफेक्ट है।
और उसलिए इसके लिए आवश्यक है कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग सावधानी रखें, घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर भी मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग घर के बाहर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से या पानी और साबुन से हाथ धोएं। इन नियमों का पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद नगर के अंदर ऑक्सीजन के 9 प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिन पर कार्य कुछ में प्रारंभ हो चुका है, कुछ पे कार्य प्रारंभ होने जा होगा। लेकिन ऑक्सीजन के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। वर्तमान में 300 ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें से 9 अकेले गाजियाबाद में, और इस पूरी कमिश्नरी में 35 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के लगाने जा रही है, जिसमें कुछ CSR से भी है और कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए लोग निवेश कर रहे हैं। हमारी उसमें पॉलिसी आ चुकी है, इंसेंटिव उन लोगों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर चल रहा है। 45+ में 3,45,196 लोगों को अकेले गाजियाबाद में वैक्सीन दिया जा चुका है, और 18+ में 17,822 युवाओं को अब तक यहाँ वैक्सीन दिया गया है। तो 3,63,018 कुल लोगों ने अब तक गाजियाबाद में वैक्सीन लिया है। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में, इसके बाद हम टारगेट करने जा रहे हैं, हर कॉमन सर्विस सेंटर में गांव के किसी दिव्यांग को, बुजुर्ग को, महिला को रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम वहां से उनकी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच वैक्सीन के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। सर, 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 सर।